जेंगो से अभी हम लोग एक CMS सिस्टम बनाएंगे, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नॉर्मली इसको लोग टेक्स्ट ब्लॉग या आर्टिकल ब्लॉग बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो एक फोल्डर तो हम अपना ऐसे बेस बना लेते हैं, जिसका नाम हम रख लेते हैं जेंगो प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी जेंगो प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर सकते हैं आराम से। देखिए, अब कंट्रोल इसमें टर्मिनल में आ गए, और टर्मिनल में सबसे पहला काम जो हमको करना है वो है इन्वायरमेंट बनाना। अगर अब इन्वायरमेंट बनाएंगे नहीं तो काम नहीं होगा। तो पाइथन डैश एम VENV, और जो नाम रखना चाहते हो वो। इन्वायरमेंट फोल्डर बन गया, इसको एक्टिवेट करना होता है। तो वापस से टर्मिनल मेरे पास आ जाए तो फिर एक्टिवेट करके दिखाएं। देखो, हम इसको एक्टिवेट करने जा रहे हैं। एक्टिवेट करने के बाद हम इसका जेंगो इंस्टॉलेशन कर लेंगे, और उसके बाद उसमें ऐप बना लेंगे। देखो, एक्टिवेट करने के लिए हम सर्वर बैकस्लैश स्क्रिप्ट एक्टिवेट, एक्टिवेशन हो गया। उसके बाद पिप इंस्टॉल जेंगो, जेंगो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कीजिए। अपने इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, यानी अपने सर्वर में जेंगो इंस्टॉल कर लीजिए। जेंगो इंस्टॉल करने के बाद देखिए ध्यान से, जब जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा तो प्रोजेक्ट बनाना है हम लोग को। वो प्रोजेक्ट का बनाने के बाद हम लोग उसके अंदर ऐप बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो में बता रहा हूँ आपको। थोड़ा टर्मिनल में टाइम लगता है, 1-2 सेकेंड, उससे ज़्यादा तो नहीं लगता है, तो उतना वेट कर लेंगे। देखो, इसके बाद जेंगो इंस्टॉल करने के लिए लिखेंगे जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम हम रख लेते हैं स्टडी पॉइंट। ठीक है, अब ये स्टडी पॉइंट के अंदर हम लोग बेसिकली हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट बना लिया, CD करके उसके अंदर जाएंगे। अभी गलती यहाँ पे लोग करते हैं कि जेंगो इंस्टॉल की और उसके बाद तुरंत ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। नहीं, ये गलत है। आपको इसके प्रोजेक्ट के अंदर जाना होगा पहले, तब जाके आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो CD स्टडी पॉइंट, आप आ गए अंदर। अंदर आने के बाद आप अपना फिर से कमांड लगाइए जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट ऐप, और फिर ऐप का नाम आप रख सकते हैं, जैसे हम CMS रखते हैं। CMS मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली कोई भी आर्टिकल को मैनेज करने को कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो हम लोग ये CMS डेवलप कर लिया। अब उसके बाद हम लोग को ज़रूरत है इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो, हम लोग का जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वो एक्चुअल में ये है। इसमें जो CMS है वो ऐप है, और जो ये मेरा है ये प्रोजेक्ट है। बाहर वाला फोल्डर का नाम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेम हो, अलग नाम भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेम नाम ही आता है। इस setting.py में जाकर थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन कर लो, जैसे कि अलाउ ऐप डाल दो, कौन सा ऐप तुम्हारा है। तो CMS बिना डाले ये जानता भी नहीं उस ऐप को। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे आ गए यहाँ पे टेम्पलेट में। तो एक फोल्डर बना लो, जैसे मैं manage.py जहाँ पे जिस लेवल पे है वहीं पे फोल्डर बना लो टैम्पलेट्स। ठीक है, और उसका नाम यहाँ पे सेटिंग में डिस्क्राइब कर दो, सिंपली टैम्पलेट्स जो नाम रखे हो। ठीक है, इसी तरीके से तुमको कुछ और कॉन्फ़िगरेशन भी करने होते हैं, बट हाँ यहाँ पे इनफ होगा यहाँ पे डिस्कस करना। इसके बाद हम लोगों को आ जाना है इसको रन करने में। तो पाइथन manage.py रन सर्वर, manage.py आपको पता होना चाहिए इसी फोल्डर के अंदर है, इसलिए ये रन होगा। तो रन सर्वर के बाद आपको मिलेगा एक टर्मिनल कुछ छोटे से वार्निंग के साथ। कोई इशू नहीं है, आप इसका टर्मिनल ओपन करेंगे तो कम से कम आपको ये पहला पेज तो नज़र आ ही जाएगा।
अब आते हैं अपने मॉडल डिस्क्राइब करने में। तो मॉडल बनाने का मतलब है टेबल बनाना, क्लास डेटाबेस में टेबल तैयार करना। तो पहले हमको चाहिए यहाँ पे टॉपिक्स, किस टॉपिक पे हम बना रहे हैं वो। तो टॉपिक पे मॉडल डैश मॉडल, और उसके बाद मुझे टॉपिक का नाम चाहिए और टॉपिक का डिस्क्रिप्शन चाहिए। इसके अलावा टॉपिक कब क्रिएट हुआ था, अगर उसका टाइम देना चाहते हो तो दे सकते हो, और अपडेट की कोई खास ज़रूरत है नहीं। दो बार अंडरस्कोर लगा के सेल्फ लगा सकते हो, और रिटर्न में उसका नाम दे सकते हो, जिससे ये डेटाबेस में दिखता है कि हाँ ये नाम है। इसी तरीके से तुम एक और क्लास बना सकते हो जिसका नाम हो जाएगा तुम्हारा कंटेंट या पोस्ट, कुछ भी नाम रख सकते हो। अब देखो कंटेंट का जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक का है ना हम लोग कंटेंट बना रहे हैं, वो हो गया उसका रिलेशनशिप फॉरेन की से, और इसका क्लास का नाम हो गया मॉडल, और जब डिलीट होगा तो कैस्केड हो जाएगा, कैसे मतलब साथ में डिलीट हो जाएगा। फिर आते हैं टॉपिक का टाइटल, टॉपिक के टाइटल के बाद टॉपिक का कंटेंट, टॉपिक कंटेंट के बाद कब क्रिएट हुआ है वो, और उसके बाद उसका इमेज, यानी इसका नाम होगा फीचर इमेज, और ये फीचर इमेज में अपलोड टू इम्पोर्टेंट होता है लगाना, अपलोड टू, और कौन से फोल्डर में अपलोड होगा, तो स्लैश कंटेंट लिख दो, शुरुआत में नहीं देंगे, लीडिंग में नहीं ट्रेलिंग में देंगे, ठीक है। इसको इस जगह को लीडिंग बोलेंगे, इसको ट्रेलिंग बोलेंगे। और क्या पॉसिबल चीज़ें हैं, जैसे कि टॉपिक किसने लिखा है अगर तुमको बताना है, तो ऑथर होता है बेसिकली, तो ऑथर जो है वो यहाँ पर तुम ना ऑथर जो बंदा लॉगिन किया उसका नाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो दे देते हैं वही चीज़, देखो मॉडल डॉट फॉरेन की, और ये यूज़र को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यूज़र ऑन डिलीट, और उसका मॉडल डॉट कैस्केड, या सेट नल भी कर सकते हैं। ये यूज़र मॉडल कहाँ से लाएंगे, यूज़र मॉडल बता देते हैं आपको। देखिए टॉपिक मॉडल तो आप बनाए हैं, कंटेंट बनाए हैं, लेकिन यूज़र मॉडल कहाँ से आया। देखिए जो आप जब क्रिएट सुपर यूज़र करते हैं तो इसका मतलब है यूज़र इसमें टेबल बना हुआ है पहले से, तब तो उसमें स्टोर होता है। तो ये आपको बस इंपोर्ट करना है और कुछ नहीं करना। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको लिखना होगा फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीब्यूशन डॉट ऑथ डॉट मॉडल इंपोर्ट यूज़र, यानी ये कंट्रीब्यूशन में ऑथेंटिकेशन का काम यूज़र मॉडल से हो रहा है जो पहले से बना हुआ है, बस आपको इस्तेमाल करना है, यानी कि आपको बुलाना है। ये देखिए बुला लिया, हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिफ, आपको पता है दो बार अंडरस्कोर एसटीआर, दो बार अंडरस्कोर सेल्फ पास कर देंगे, और उसके बाद इसको रिटर्न कर देंगे, किसको टाइटल को। ये हो गया टॉपिक, ये हो गया कॉन्टेंट, इसके अलावा अभी हमको कोई खास ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म तो मेरा मॉडल का तैयार हो गया, अब क्या करना है देखिए। जैसे हम लोग है ना यहाँ पे देखो सेट नल आर्गुमेंट डिलीट, सेट नल आर्गुमेंट में डिलीट का रूल कैन नॉट ऑथर फील स्पेसिफाई बट नॉट नल, अच्छा ब्लैंक ट्रू नल ट्रू होगा, नल ट्रू यानी जब मान लो यूज़र डिलीट हो जाए तो उसका जो ये वाला कॉलम होगा वो नल हो जाए, यानी कि जब यूज़र ना रहे तो पोस्ट डिलीट ना हो जाए, पोस्ट रहेगा बस उसका ऑथर की जगह क्या आएगा, नल आएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने ये लाइन लिखा। दूसरा एक और मैसेज आ रहा है कि आप इमेज यूज़ कर रहे हो तो पिलो इंस्टॉल नहीं है, तो पिलो एक पैकेज का नाम है जो कि इंस्टॉल करने का तरीका यहाँ पे बता भी रहा आपको, बस आपको कॉपी करना है इस कमांड को, बंद करना है सर्वर को, और पेस्ट करके एंटर मार के इंस्टॉल करा देना। ये बेसिकली पिलो इमेज अपलोड कराने में मदद करेगा। इमेज का काम कर रहे हो तो दो तीन बातें और ध्यान में रखनी है, वो ये कि यहाँ दो वेरिएबल बनेगा, एक का नाम है मीडिया रूट, तो ऐसे मीडिया डाल सकते हो, और साथ ही साथ मीडिया URL, तो उसमें लिखना होता है हमको मीडिया URL, एक्चुअली मीडिया रूट में नहीं, मीडिया URL में ये होता है URL और मीडिया रूट, इसमें बेस DIR स्लैश फोल्डर का नाम, ठीक है। तो ये है दो, ये ट्रेलिंग वाला, ठीक है, रहन दो एरर आएगा देख लेंगे। तो बेसिकली ये दो वेरिएबल है, इसके साथ काम करना है, और इसको जो है ना इसका URL को सेट करना होता है URL.py में, तो URL.py में जो कमेंट है वो हटा दो, और उसके बाद यहाँ पे
यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जैंगो डॉट यूटिल्स डॉट सॉरी URLs डॉट कॉन्फिग डॉट कॉन्फिग डॉट URL स्टैटिक इम्पोर्ट स्टैटिक URL इम्पोर्ट स्टैटिक राइट स्टैटिक नहीं ओ अच्छा फ्रॉम ने गलत हो गया है, यहाँ पे फ्रॉम लिखेंगे इंपोर्ट स्टैटिक डन। अब इसमें से निकालेंगे सेटिंग पेज, तो जैंगो डॉट कंट्रीब्यूशन इंपोर्ट सेटिंग्स ठीक है, कुछ गलती होगा तो देखा जाएगा कोई इशू नहीं। URL पैटर्न प्लस इक्वल टू स्टैटिक फंक्शन के अंदर यहाँ पे चाहिए URL, तो सेटिंग्स डॉट मीडिया URL नहीं आ रहा सेटिंग सही, ये सही है ये मीडिया अच्छा कमेंट कर लेते हैं ये वाला इंपोर्टिंग गलत हो रहा है, ये सही है ठीक है, मैं देख लेता हूँ क्या कहाँ गलती कर रहे हैं। अब क्या है कि मामला ये है कि हम लोग जो मॉडल बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग अपना सारा काम होना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशन। देखो ये इंपोर्ट का जो लाइन है ये अभी भी हमको गलत बता रहा है, URL में मैंने जो डाला है ठीक है config dot देखो दो मॉडल का नाम आ गया जो मैंने बनाया था और उसको माइग्रेट करना है, मेक माइग्रेशन के बाद माइग्रेट उसके ओके 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 सब डन। उसके बाद है ना PHP एडिशन क्रिएट सुपर यूज़र ताकि हम एडमिन लॉगिन कर सकें सुपर यूज़र ठीक है, और ये लॉगिन को यूज़ करने के लिए इसका जो यूज़र नेम होगा CWS रहे तो वो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये कंप्यूटर का नाम ले लिया, यहाँ ईमेल आईडी डाल देंगे डाल दिया, अब पासवर्ड डालेंगे 1 से 9 तक डाल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा है कि बहुत इजी है क्या करें हम लोग, हाँ चलो ठीक है बाईपास करो इतना ही रहने दो, मतलब बेसिकली आसान को लेना नहीं चाहता है, पूछ लेता आपसे कि आप आसान ही रखना चाहते हैं, हम लोग हाँ ठीक है तो आप ना रख सकते हैं। अब आपका जो रन सर्वर वाला कमांड है वो वापस से चल जाएगा ठीक है, इसके बाद आपको पता है ये एडमिन में आपको रजिस्टर करना पड़ता है तो आपको अपना मॉडल इंपोर्ट कर लेना होगा नहीं तो एडमिन में दिखेगा नहीं। इंपोर्ट ऑल एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर और यहाँ पे अपना नाम जैसे टॉपिक ये रजिस्टर्ड हो गया और जैसे आपका कॉन्टेंट दोनों मॉडल रजिस्टर्ड हो गया, तो दो ही मॉडल मेरे पास दोनों रजिस्टर्ड कर लिया, यूज़र मॉडल बाय डिफॉल्ट रजिस्टर्ड होता है आप जाके वहाँ पे यूज़र मॉडल को देख सकते हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ये आपका हो गया काम शुरू। अब अपना बनाओ पेजेस, वैसे हम एडमिन दिखा देते तुमको, देखो एडमिन पार्ट दिखा देते हैं रजिस्टर्ड हुआ या नहीं हुआ। स्लैश एडमिन ये तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है आपको, ये यूज़र नेम पूछ रहा है और ये पासवर्ड जो डाल के हम सेफ एंटर मारेंगे, देखिए यूज़र पहले से ही रहता है ऊपर में ठीक है, तो अभी जैसे एक यूज़र हुआ CWS वो आ गया, आप नया यूज़र भी यहाँ बना के दे सकते हैं आराम से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो टॉपिक अभी खाली है और कंटेंट खाली है, तो टॉपिक कंटेंट तुम ऐड करना चाहो तो कर सकते हो ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पर ऐड करने का तरीका है आप देख सकते हैं यहाँ पर आसानी से। चलिए अब हम लोग इसका पेजेस बनाते हैं डिज़ाइन बनाते हैं, तो टेम्पलेट में एक पेज बनाते हैं जिसका नाम होगा आज थोड़ा अलग करते हैं base.html। base.html में वो सारा काम करेंगे जो सभी पेज में कॉमन है और वो काम अलग अलग करेंगे जिस जो हर पेज में अलग अलग है, जैसे कॉमन क्या होता है हेडर पेज साइड बार ये सब में लगभग लगभग कॉमन होता है,
लेकिन बाकी जो चीज़ है वो हम लोग अलग अलग पेज में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बेसिक HTML करते हैं, पहले एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया और इसका नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टडी पॉइंट .com। ठीक है, तो हेडर बनेगा यहीं पे, ठीक है, अब बाकी चीज़ें यहीं पे होंगी। तो हम हेडर बनाते हैं, देखो आपको पता है अगर हमको CDN मेथड में लगाना हो तो हम लगा सकते हैं tailwindcss.com को, देखो बीजी जाय ग्रे 800 PY10 PX 10%। ठीक है, और ये थोड़ा सा मैसेज वगैरह के साथ लिंक वगैरह। ठीक है, तो ये बन गया है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक फ्लिक्स बनाएंगे, फ्लिक्स डैश 1 बनाएंगे और इसमें W-3x12 और 9x12 आपको पता ही है। तो जो 3x12 का पार्ट है वो एक्चुअल में टॉपिक का लिस्ट है, तो लिस्ट ऑफ टॉपिक यहाँ पे आ जाएगा। बट इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 9 वाला पार्ट है ये हर पेज में अलग अलग होगा। तो आप यहाँ पे सेक्शन बना दीजिएगा। क्या बनेगा? सेक्शन कैसे बनेगा, देखिए कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज इसका नाम, सेक्शन का नाम यहाँ पे ब्लॉक होता है, ब्लॉक। तो ब्लैक ब्लॉक का नाम जैसे कंटेंट रख रहे हैं, तो कंटेंट आपका ब्लॉक का नाम हो गया। और इसको बंद करने के लिए आपको लिखना होगा कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज इन ब्लॉक। देख लिया आपने, तो ये बेसिकली ये ब्लॉक बन गया। अब अगला पेज में आपको क्या करना है, देखिए जैसे मान लो होम पेज बनाना है, तो बेस आपका बन गया, यानी जितना कुछ आपको चाहिए हर पेज में वो यहाँ है। अब आपको क्या करना है, बेस को यहाँ से ऐसे होम पेज बनाना है, तो होम पेज डॉट HTML और आप इसको उठा के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सटेंड करना होगा, एक्सटेंड देखो एक्सटेंड्स और ये एक्चुअल में ज़्यादा हो गया, डबल हो गया। तो आप एक्सटेंड लगा दिया और उसके बाद आपको किसको एक्सटेंड करना है, बेस डॉट HTML को। पता ये चला कि जो जितना कुछ बेस में है ना वो सब आ गया इसमें, आपको एक्स्ट्रा यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे आपको सेक्शन बना लेना है जहाँ खाली छोड़ के आए थे। तो नाम क्या होगा, ब्लॉक, देखो ब्लॉक, ब्लॉक का नाम हो गया कंटेंट। ये थोड़ा सा सिंटेक्स में गलती हो गया, ये दो बार हो गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं। और इन के टाइम में कंटेंट का नाम नहीं भी दोगे तो चलेगा। तो मोटे मोटे तौर पे एक ब्लॉग बना है बस, यानी ना HTML का हेडर बना है, ना हेड टैग है, ना बॉडी टैग है, ना ही हेडर है, ना ही साइड बार है, बट सब आ गया, सब के सब यहाँ पे आ गया। दोबारा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग जितना पेज बनाएंगे सब में चाहिए, तो सब कुछ के लिए रेडी है। ठीक है, अब हमको 9 का सेक्शन का काम करना है, तो हम लोग इसको पहले Django से HTML में कन्वर्ट कर लेते हैं। और देखो flix-1, तो मुझे यहाँ पे न्यूज़ एक्चुअल में दिखाना है, तो वो ये अभी हम ऐसे डमी दिखा देते हैं कि हाँ आया कि नहीं। कितना सा बनाया कोड देखो, यहाँ पे कुछ नहीं किए लगभग, और ये पूरा का पूरा पेज रेंडर करेगा। कैसे करेगा, व्यू में आएंगे डिफ और उसका नाम रखते हैं होम पेज रिक्वेस्ट कॉलन और तुमको बताया रिटर्न रेंडर। ठीक है, अब पेज का नाम क्या है, HTML। ठीक है, इसका URL बनाना पड़ेगा, तो URL के लिए पाथ होम पेज और यहाँ पर फ्रॉम CMS जो मेरा ऐप का नाम है डॉट व्यूज इम्पोर्ट, अभी होम पेज चाहिए तो होम पेज, होम पेज कॉमा कोई नाम डिस्कस कर सकते हो, नाम रखते हैं होम पेज। ठीक है, ये सिंपल सा चीज़ है। अब इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ये URL है, पहले एक्सेस करेंगे इसको। और देखो यहाँ पे कुछ इंड का इशू आ गया, इन ब्लॉक देखते हैं, रुको यहाँ पर इंड ब्लॉक नहीं, ये तो सही है, यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा यहाँ स्पेस होगा एक्सपेक्टेड, अच्छा दो साथ ही होगा, बेस वाला तो गलती है, इन ब्लॉक यस। देखो तो हेडर पट्टी तो डिज़ाइन नहीं हो पाया, डिज़ाइन सही कर लेते, रुको होम में जाते हैं और ये है मेरा हेडर, नहीं ये नहीं है, बेस में ये है मेरा हेडर,
बीजी ग्रे कलर का 800, ग्रे कलर का 800 नहीं आ रहा। हाँ स्पेलिंग मिस्टेक था। अब PY10 PX10 ठीक है, ये जो पैराग्राफ है खाली ये हटा देते हैं, ये AI बना के दिया तो थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया है। देखो अब ये इधर का आ रहा है, ये हटा दो, ये एक्स्ट्रा है डिव, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है यहाँ लिखते हैं जस्टिफाई बिटवीन, थोड़ा अरेंज कर देते, कोई इशू नहीं। आइटम्स सेंटर, और ये जो है इसमें मार्जिन टॉप लगा हुआ है, देखो ये नहीं चाहिए, इसमें फ्लिक्स लगेगा, फ्लिक्स फ्लिक्स डैश वन और आइटम्स सेंटर। ठीक है फ्लिक्स डैश वन नहीं लगेगा, नहीं तो उधर ही चिपकेगा। देखो ठीक है, वेलकम टू ये लिखाना टाइटल में ज़रूरी नहीं है, सिर्फ नाम ही काफ़ी है। हो गया, सही अलाइनमेंट है। ठीक है पेज का डिज़ाइन पे हम नहीं मैटर कर रहे हैं क्योंकि ये सब आपको आता है। ठीक है नीचे जो यहाँ पर लिस्ट दिख रहा है आपको, उसमें लिस्ट इनसाइड आउटसाइड ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर लिखेंगे फ्लिक्स फ्लिक्स डैश कॉल, देखो, और ये सब में करेंगे थोड़ा थोड़ा पेडिंग का काम। इसका जो मेन डब्बा है ये वाला, इसमें PX 10% दिए ऊपर को भी नीचे को भी देते हैं, वो चिपक रहा है ना उस साइड से, ये खाली कर दे। फीचर कोर्स लिखा हुआ है तो फीचर टॉपिक लिख देंगे क्योंकि टॉपिक यहाँ पे रेंडर होने वाला है, और जो टॉपिक्स होंगे वो ऐसे दिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साथ CSS करना होगा। टेक्स्ट डैश ब्लू की जगह होगा टेक्स्ट डैश वाइट, और BG डैश ब्लू 600 PX3 PY2 और W डैश फुल। तो देखो क्या गलती है, इसमें ULL है और LI है, इसको div में कन्वर्ट कर देते हैं div, और ULLI का अब ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट A टैग से काम हो जाएगा। यहाँ से LI को हटा दिए, ठीक है तो ये थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाएगा, और अगर तुमको गैप देना है तो यहाँ से दे सकते हो, थोड़ा अलग अलग करना है तो। ठीक है ये टॉपिक्स तुम्हारे होंगे, टच करने पे कोई और कलर हो, मैं डिज़ाइन में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा मोड़ा ऐसा कर देते हैं कि आप PG जैसे रेड 500, ये थोड़ा टच करने पे बैकग्राउंड। ठीक है तो ये मैंने कर दिया, अब इसके अलावा जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब आते हैं पेडिंग यहाँ पे ब्लॉक, तो इसमें क्या है कि ये जो एरिया है ना ब्लॉक का, इसको पेडिंग में डाल दो, P-5 उसके अंदर डाल दो, तो क्या हुआ एक पेडिंग लेकर बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। ये पेज यहाँ पे ऐसे डमी डिज़ाइन है, इसको चेंज करना है। ठीक है तो मोटे मोटे तौर पर ये वाला जगह आपका और ये वाला जगह आपका वर्क में आएगा। ठीक है तो ये जगह पर आप फोटो दिखाएंगे, कार्ड दिखाएंगे वगैरह वगैरह, पूरा साफ़ कर देते। देखो फ्लिक्स, ठीक है फ्लिक्स डैश कॉल एक दूसरे के नीचे के लिए, और यहाँ पर लिखना है एक और डिव फ्लिक्स फ्लिक्स वन, और यहाँ S2 रिसेंट पोस्ट। ठीक है ये लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा सा इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। क्लास टेक्स्ट डैश ब्लैक, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, टेक्स डैश 3XL, इसी तरह का आप कुछ कर सो सकते हैं, और ऊपर से मार्जिन वगैरह अगर आपको नहीं देना है तो ठीक है। इसके बाद आप नीचे जस्ट आ रहे हैं, और नीचे आने के बाद आप यहाँ पे फ्लिक्स डैश वन लिख रहे हैं, फ्लिक्स डैश वन, और इसमें लिख रहे हैं आप फोर लूप। फोर लूप बेसिकली है ना आपका पोस्ट को दिखाने के लिए है, अगर आपको फोर लूप में डाउट है तो हम कमेंट कर लेते हैं अभी, और ये देख सकते हैं अभी एरर आएगा क्योंकि लूप चल नहीं रहा तो कोई डेटा दिख नहीं रहा। यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, दिस इज टाइटल, देख सकते हैं आप टाइटल दिखेगा आपको,
कोई बात नहीं, मैं इसको पोस्ट को दिखा दूँगा पोस्ट करके, ठीक है। तो ये बेसिकली वो जगह होगा जहाँ पे पोस्ट अपना दिखेगा, पोस्ट का टाइटल, पोस्ट का बॉडी, उसका ऑथर, उसका कब क्रिएट हुआ है, वो ये सारा मैसेज है, वही लूप है जो आप जानते हैं, ठीक है। अगर हम इसका पेज वन में डेटा नहीं पास करेंगे तब तक दिक्कत है। अब डेटा पास करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक डेटा नाम का एक डिक्शनरी बना लेते हैं खाली, और उस डिक्शनरी का एक की बनाते हैं कैटेगरीज। अब कॉल करो अपना मॉडल कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। अब ये जो कैटेगरी आपका है वो इंपोर्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इंपोर्ट का लाइन आपको पता ही है, फ्रॉम CMS या फ्रॉम, अभी आप उसी में है, तो मॉडल इंपोर्ट, और आपको दो चीज़ें चाहिए, टॉपिक और कंटेंट। और यहाँ पे जो कैटेगरी दिखा वो तो गलत हो गया, टॉपिक है नाम, ठीक है, हो गया। इसी तरीके से डाटा, आपका जो पोस्ट है, आपका जो कंटेंट है, वो उसका नाम हम पोस्ट रख लेते हैं। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ये आपका कंटेंट से आएगा, कंटेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, ठीक है। तो ये सेकेंड पैरामीटर में डाटा पास होगा। अब समझ में आया, ये जो पोस्ट जा रहा है ये यहाँ पर लूप चल रहा है, ठीक है। तो आपका वर्किंग एकदम परफेक्ट। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको अपना डेटा देख लेना, मतलब बेसिकली आप टॉपिक डालिए एक तो, जैसे मान लो पाइथन लैंग्वेज, डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो सकता है उसके, के टॉपिक कंटेंट डालते हैं डेटा। मान लो यह टॉपिक सेलेक्ट किया पाइथन वेरिएबल, यहाँ पे सेलेक्ट किया वेरिएबल पाइथन वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब ये पाइथन वेरिएबल कॉन्स्टेंट का कोई टॉपिक लेकर आते हैं, उसको उसका डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट पे तो मिल ही जाएगा, तो उस पर क्लिक करके उसका डेटा उठा के पेस्ट कर देते हैं। इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं है, बट हाँ मैं कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ, मान लो ये, ठीक है। तो मैं इसको कॉन्टेंट में डाल देता हूँ, इसका एक फीचर इमेज होगा जो हमको डालना है, तो फीचर इमेज इसमें तो है नहीं, बट हाँ इमेज में जाकर निकाल देंगे, कोई भी इमेज, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो ये इमेज है, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, और इसके बाद इसको अपलोड करा देते हैं, चूज इमेज, और ये डेस्कटॉप पे OIP नाम से सेव। कौन ऑथर है, तो अभी हम ही एडमिन हैं, हम ही ऑथर हुए, सेव हो गया। आप देख सकते हैं कि जो आपका फ्रंट पेज है उसमें उसमें आपको लूप दिखाना है। पोस्ट यहाँ से गया, कंटेंट का सारा डेटा, कंटेंट जाएगा होम में, गया होम के पास, गया होम के पास लूप है, क्यों नहीं दिख रहा है? अच्छा, इस सबका नाम टाइटल बॉडी की जगह कंटेंट होगा, क्यों नहीं दिख रहा है? यहाँ पे कुछ गलती की है, नाम कंटेंट, इसका बेस में इसका नाम कंटेंट है ना, हाँ कंटेंट ही नाम है, ये तो दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद का एरिया BG-RED- नहीं दिखा, चलिए कोई बात नहीं, टाइम भी ख़त्म हो गया है, यहाँ तक हम लोग आज इसमें काम कर लेते हैं, फिर कल हम लोग इसमें काम करेंगे। पोस्ट दिखाने का काम इंसर्ट हम लोग यहीं से करेंगे, इंसर्ट तो अभी हम लोग टेम्प्रोरी बैकएंड से कर रहे हैं, और बैकएंड का थोड़ा कस्टमाइजेशन भी देखेंगे कि यहीं पे कैसे डिलीट बटन आएगा, इसका पूरा इस पेज को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये सब सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।